हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गोडॉक्स के 8300 प्रो आउटडोर फ्लैश की। और गाइस, अगर आप भी अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो यार आप भी इसे जरूर परचेज करना। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ क्या क्या है इसके बॉक्स कंटेंट्स और मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं इसके साथ, या आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी पड़ेंगी इसको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। सो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे या आपके किसी भी काम आए तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना यार, बहुत मेहनत से बनाते हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, ये रहा हमारा गोडॉक्स का 8300 प्रो आउटडोर फ्लैश। देख सकते हैं आप इसका ओवरव्यू, ये इसकी एलसीडी जहां बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको ऑन करने के बाद। यहां पे बैटरी इंसर्ट होगी, मैं आपको एक बार इसका हेड ओपन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप गाइस, इसकी बैटरी ये, इसका चार्जिंग अडाप्टर और ये केबल है गाइस, इसे हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जब हम इसे सेटअप करेंगे तब इसका यूज़ करेंगे हम। सो गाइस, इस फ्लैश को यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक TTL वायरलेस फ्लैश फिगर की, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सोनी माउंट के लिए है। मैं इसे अपने सोनी A7 III में यूज़ करूँगा, तो मैं आपको इसे भी अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। गाइस, मैंने इसे ऑलरेडी अनबॉक्स करा चुका है और इसमें बैटरीज नहीं होती है, तो देख सकते हैं आप बैटरीज इसमें लगी हुई हैं, ड्यूरासेल। ये देख सकते हैं आप, ये ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, ये ऑन हो चुका है TTL थ्रू द लेंस। तो गाइस, इसे ऑफ करते हैं अभी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना होगा, इस फ्लैश को लेते वक्त आपको एक S2 ब्रैकेट भी लेना पड़ेगा जो ये फ्लैश इसमें माउंट होगा। सो इसे लेना बहुत जरूरी है, तो आप इसका ध्यान रखना। इस फ्लैश का यूज इस ब्रैकेट से ही होना है, जब आप इसे सॉफ्ट बॉक्स में यूज करेंगे तो इस ब्रैकेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। देख सकते हैं आप। तो गाइस, आपको इसे निकालना होगा, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये गोडॉक्स की तरफ से ही है। तो गाइस, ये तो रही अनबॉक्सिंग वीडियो, लेकिन आने वाली फ्यूचर वीडियोस में मैं ज़रूर आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपको इसे कैसे सेटअप करना है और सॉफ्ट बॉक्स में आपको इसे कैसे यूज़ करना है,
और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा सर। उसके लिए आपको तो पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो कर ही देना यार। तो चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।